13.7.2 असंक्रामक रोग एवं कारक अनइंफेक्शियस नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एंड इट्स एजेंट्स। कुछ रोग ऐसे होते हैं जो संक्रामक कारकों द्वारा नहीं होते, उनके कारक भिन्न भिन्न हो सकते हैं। इन्हें असंक्रामक रोगों की श्रेणी में रखा जाता है। उदाहरण के लिए हाशियाकार कोशिका अरक्तता, सिकल सेल एनीमिया, कुछ प्रकार के कैंसर अनुवांशिक असामान्यता के कारण हो सकते हैं। इसी प्रकार उच्च रक्तचाप का कारण अधिक वजन होना तथा व्यायाम न करना हो सकता है। इस प्रकार के रोगों में रोगी व्यक्ति से संपर्क में आने पर स्वस्थ व्यक्ति पर रोग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस कारण इन्हें असंक्रामक रोग कहते हैं। क्या रोगी व्यक्ति से हमेशा दूरी बनाए रखना उचित है? मनुष्यों में असंक्रामक रोग कैसे हो जाते हैं? क्या आप जानते हैं पेप्टिक व्रण, पेप्टिक अल्सर तथा नोबेल पुरस्कार? कई वर्षों से हम यही सोचते थे कि पेप्टिक व्रण, जो आमाशय तथा ग्रहणी में अम्लीयता संबंधित दर्द तथा रक्तस्राव करता है, जिसका कारण रहन सहन का ढंग है। प्रत्येक व्यक्ति सोचता था कि परेशानी भरे जीवन से आमाशय में अम्ल का स्राव होता है, जिसके कारण पेप्टिक व्रण हो जाता है। दो ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि एक जीवाणु हेलिकोबैक्टर पाइलोरी पेप्टिक व्रण का कारण है। पर्थ ऑस्ट्रेलिया के रोग विज्ञान रॉबिन वॉरेन, जिनका जन्म 1937 में हुआ, ने इन छोटे छोटे वक्राकार जीवाणुओं को अनेक रोगियों के आमाशय के निचले भाग में देखा। बैरी मार्शल, एक चिकित्सक, ने वॉरेन की खोज में दिलचस्पी ली। इन्होंने इन स्रोतों से जीवाणु का संवर्धन करने में सहायता प्राप्त की। अपने उपचार अध्ययन में मार्शल तथा वॉरेन ने यह पता लगाया कि रोगी के पेप्टिक व्रण का उपचार तभी हो सकता है जब कारक जीवाणुओं को आमाशय में ही मार दिया जाए। इन्होंने पेप्टिक व्रण प्रतिजैविक तैयार किया तथा इसके उपचार से पेप्टिक व्रण ठीक हो जाता है। इस खोज के लिए मार्शल तथा वॉरेन को शरीर क्रिया विज्ञान तथा औषधि के लिए सन 2005 में संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया।